ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बता दें हंदवाड़ा की शोकपुरा की है, जहां पर इलेक्ट्रिक वायर गिरी थी और उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा इशू हो गया था। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे हैं और किसी को भी खतरा ना हो इससे उसी के चलते इसे उठाया जा रहा है। वहां से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ज्वाइन कर चुके हैं शेख जमशीद। शेख जमशीद, बताइएगा इस हवाले से और क्या जानकारी है। हाँ जी मैडम, यहाँ पे जो शोकपुरा इलाका है, यहाँ पे जो ही J&K पुलिस पोस्ट मागाम जो ही इनको खबर मिली कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वायर है वो रोड पे है, तो इन्होंने जल्दी आके यहाँ पे मतलब किसी जान को खतरा ना पहुंचे या इस चीज से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो ये खुद यहाँ पे आए और इन्होंने जो ये इलेक्ट्रिक वायर है खुद इस वक्त ये ठीक करने में लगे हैं। जो इसके आती है जितने भी पुलिस पोस्ट मागा में मतलब साहब साहब के साथ जो काम कर रहे हैं इस वक्त, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सारे लगे हुए हैं कि जो शोकपुरा इलाका है जो गुप्त अंधेरे में है, इनकी बिजली बहाल हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से PDD एम्प्लॉयज की स्ट्राइक जो है रही है, किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं पहुंचता, जिसके चलते पुलिस अपना काम कर रही है और बेहद ज्यादा जरूरी भी है। बताइएगा कि कब ये जो इलेक्ट्रिक वायर है गिर गई और किसने इन्फॉर्म किया और कितनी देर में पुलिस वहां पर पहुंची? मुकामी लोगों का कहना है कि जो ही हमने पुलिस पोस्ट मागाम के सब इंस्पेक्टर जो कि सोहेब साहब है इसको हमने जो ही कॉल की, तो 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में ये यहाँ पे आए और इनने खुद जाके लोगों से कहा कि आपको आप घबराओ मत, आपकी बिजली जो है वो मैं बहाल करके ही रहूंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और इनने खुद इलेक्ट्रिक वायर और अपने जो इसके साथ साथी है इनको लगाया काम पे, और खुद इस वक्त आप देख रहे हो इस वक्त सोहेब साहब खुद यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर हाथ में रख के इसको पहले ठीक कर रहा है, और ऊपर अभी अभी भी विजुअल्स में अभी भी ये पुलिस SPO एक खुद चढ़ा था पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे, तो ये इलेक्ट्रिक वायर बांधने के लिए इनने एश्योरेंस दी कि लोगों को कि आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपको बिजली बहाल ना करा दूं। हाँ बिल्कुल, तो क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कितनी देर में ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पुलिस के जवान लगातार जो है कोशिशें करने में जुटे हुए हैं? तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 1 घंटा या 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर है ये पूरी कट हो गई है, तो इसको पहले ठीक करना है, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के फिर इसको लगाना है। और साथ ही में जो शोकपुरा के साथ ही में एक गांव है तुमपुरा, जो पिछले तकरीबन 20 दिन से गुप्त अंधेरे में है, ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है और इलेक्ट्रिक वायर रोड पे है, तो वो इलाका भी वो गांव भी तकरीबन 20 दिनों से पिछले 20 दिनों से गुप्त अंधेरे में है। बिल्कुल, ऑलरेडी हम हंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, तस्वीरें हंदवाड़ा से दिखा रहे हैं, बिजली की क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं, और बताइएगा जो इलेक्ट्रिक वायर ये गिरी है ये कौन सा इलाका है? ये शोकपुरा शोकपुरा हंदवाड़ा हंदवाड़ा ये डिस्ट्रिक्ट कोपवाड़ा हंदवाड़ा हंदवाड़ा के ही तहसील में एक गांव आता है जो शोकपुरा शोकपुरा है, यहाँ पे मागम से ये एक गांव जुड़ा है शोकपुरा हल्का शोकपुरा। जी, तो कितना वक्त हो गया जब से पुलिस कोशिशें कर रही है कि ये इश्यू सॉल्व हो जाए? तकरीबन तकरीबन पुलिस को यहाँ पे आए हुए 1 घंटा हो गया, इनने पहले लोगों को कहा कि आप साइड में हो जाओ, हम खुद करेंगे, आप टेंशन मत लो, क्योंकि लोगों की भीड़ भाड़ यहाँ पे थी, तो सैफ साहब ने सोचा कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई मतलब हादसा हो जाए, कोई अनटोवर्ड कुछ हादसा हो जाए, तो इनने लोगों की भीड़ को खत्म किया पहले, उसके बाद अपने जवानों से कहा कि इलेक्ट्रिक वायर को उठाओ, फिर मतलब काम पे लग गए। और इन तकरीबन तकरीबन 1 घंटे से ये यहाँ पे खुद भी खड़े हैं और इसके साथी भी यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे साथ जो सोशल एक्टिविस्ट ज्वाइन किए हुए हैं हंदवाड़ा के शोकपुरा से, शेख जमशीद, तस्वीरें लाइव स्पॉट से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस के जवान लगातार कोशिशें कर रहे हैं और PDD एम्प्लॉयज की स्ट्राइक
में जाने के बाद आम आवाम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी इशू हो जाता है, किसी भी तरह का फॉल्ट आ जाता है तो वो रिस्टोर नहीं होता है, वो इशू सॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान है। अब उसी के चलते ये जो हंदवाड़ा के शोकपुरा में इलेक्ट्रिक वायर गिरी, उसके बाद लोगों की काफी ज्यादा रिस्क भी था, जिसके चलते पुलिस के जवान विद इन नो टाइम वहां पर पहुंचे हैं। और आप देखिए लगातार जद्दोजहद जारी है, कोशिशें जारी है, पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसे सॉल्व किया जाए। करीबन 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका है जो ये पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक वायर का जो इशू है वो सॉल्व किया जाए। तो बाकी जो वहां पे लोग मौजूद थे, क्योंकि अगर पुलिस वक्त पे ना पहुंचती तो हो सकता है कि किसी की जान को खतरा भी हो सकता था। और उसी के चलते अब जो इशू सॉल्व नहीं हो रहा, कोई भी करने वाला नहीं था, वहां पर पुलिस के जवान जो है मौके पर पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जाते जाते बताइएगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की क्या कुछ प्रॉब्लम्स आम आवाम को झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे आवाम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शोकपुरा के साथ ही एक गांव है तुमपुरा, जो पिछले 20 दिनों से गुप अंधेरे में है। ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से वहां के लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां के मुकामी लोगों का भी कहना है कि जब तक अगर ना कल तक पीडीडी डिपार्टमेंट ने या हमारा ट्रांसफार्मर यहां पे ठीक कर नहीं किया और यहां पे ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया तो हम कल स्ट्राइक पे जाएंगे और यहां रोड पे हम आ जाएंगे। बिल्कुल। और आखिर में ये बताइएगा शेख जमशेद की, जिस तरह से जो पीडीडी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग होती है वो बाकी एक्सपीरियंस या उतनी ट्रेनिंग किसी को नहीं होती है, तो क्या कुछ चैलेंजेस जो हैं पुलिस के जवान को, जो जवान वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ चैलेंजेस या किस तरह की मुश्किलात उनको आई है ये सब सॉर्ट आउट करने? जी 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 मैडम, या जो मतलब पुलिस के जवानों को इस चीज का कुछ इल्म भी नहीं था, इस चीज का कुछ ये मतलब पता भी नहीं था, तो फिर भी ये यहाँ पे आए, इनको इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनको बहुत सारी मुश्किलों का पहले इनको मतलब सोचना था कि हम मतलब कैसे करें, ये क्या करें क्या नहीं करें, फिर भी इन्होंने मतलब यहाँ पे आके लोगों को ये दिलासा दिया कि आप टेंशन के बगैर हो, हम बिजली बहाल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को की जो यहाँ पे भीड़ भाड़ थी वो पहले खत्म की, उसके बाद पुलिस एहलकारान जो थे वो काम पे लग गए। और पुलिस के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग सेटअप है, जो इनको इनको इस चीज की एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए आ गए। तो कुछ लोग और सरकार को भी ये मतलब ये इस चीज को मद्देनजर में लाना चाहिए, जो पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की जो डिमांड्स है वो उन पे भी नजर रखें, क्योंकि मतलब इस चीज का एक तो यहाँ पे मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता, कोई अनटोवर्ड, क्योंकि पुलिस एहलकारान जो है इनको इस चीज की एक्सपीरियंस नहीं है, पोल पे कैसे चढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को कैसे उठाते हैं, पहले करते क्या है क्या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पुलिस यहाँ पे जो पहले पुलिस एहलकारान है वो इस वक्त आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ी है और इलेक्ट्रिक वायर जो है वो बांधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हंदवाड़ा के शोकपुरा से जमशेद हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हालांकि जो पुलिस के जवान हैं कोशिशें लगातार कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इशू सॉर्ट आउट हो जाए, पर जाहिर तौर पर जो एक्सपीरियंस पीडीडी एम्प्लॉयज को है वो इन्हें नहीं है, पर फिर भी कोशिशें लगातार जारी है और उसी के चलते यही उम्मीद लगाई जाएगी कि जो भी पीडीडी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत के रास्ते से इसका सबूत निकाला जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि ये इश्यू सॉर्ट आउट हो सके। जी जमशेद,
हाँ जी मैडम, यहाँ पे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक गांव की जो तुमपोरा है, तुमपोरा मागाम में, मागाम से ही, शोकोरा से ही तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है तुमपोरा, जो कि पिछले 20 दिनों से गुप अंधेरे में है, जिनको ट्रांसफार्मर खराब हो गया। पिछले बीस दिनों में पिछले 20 दिनों में वो ट्रांसफार्मर नहीं आया अभी तक, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी, जी, शुक्रिया जमशेद हमारे से ज्वाइन करने के लिए और लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। जमशेद हमारे से ज्वाइन किए हुए थे और हम आपको बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक वायर का जो इशू आया था अनवारा के शोकपुरा में, पुलिस के जवान कितनी देर से वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को सॉल्व किया जाए और किसी की भी जान को खतरा ना हो, जाते जाते ये तस्वीरें दिखा दी। आज पानी 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 पान के ऊपर गाड़ी जाए फोन कर